ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार आज हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस छोड़ते हुए हार्दिक पटेल ने ट्वीट में लिखा कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। तो हार्दिक पटेल ने गुजरात कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस छोड़ते हुए उन्होंने लिखा कि मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। तो बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से ये मानी जा रही है, और कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी ये माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात चुनाव से पहले ये कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। हार्दिक पटेल का कांग्रेस से चले जाना, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और लिखा है कि मैं अब गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। आखिर हार्दिक ने इस्तीफा क्यों दिया ये अभी साफ नहीं है। हार्दिक पटेल का कांग्रेस से इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि हार्दिक पटेल कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। वो इसका संकेत पहले ही दे चुके थे और आज आखिर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे ही दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए अहमदाबाद से संवाददाता जयेश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयेश, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, आखिर क्या वजह इसके पीछे सामने आ रही है, क्या कुछ उन्होंने इसको लेकर कहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि गुजरात विधानसभा चुनाव के कई महीने बाकी, गिनती के महीने बाकी, उसके पहले आज बहुत बड़ा ये राजकारण में जलमाव आ गया है, क्योंकि हार्दिक पटेल कई दिनों से गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता से उनसे नाराज चल रहे थे। हार्दिक पटेल ने कई बार मीडिया के सामने उनकी बातें रखी थी, बोला गया था कि हमें काम दिया नहीं जाता, हमें खाली पद दिया गया है, हमें पद नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। इस तरह से उन्होंने खुल के मीडिया के सामने, गुजरात के नेताओं के सामने अपना
अपने नाराजगी व्यक्त की थी और उन्होंने बताया था कि मैंने हाईकमान से भी कितनी बार मेरी बात रखी है पर मेरी बात का कोई भी जवाब मिला नहीं। यानी कहीं ना कहीं कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि हार्दिक पटेल कांग्रेस में से इस्तीफा देगी और बीजेपी ज्वाइन करेगी। यानी कहीं ना कहीं कई दिनों में दो तीन दिनों में या कई दिनों में पता ही चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी में हार्दिक पटेल जाएगी। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले कई दिनों से उनका तो बीजेपी के साथ शॉर्ट कोई विरोध नहीं था। बीजेपी के कई नेताओं से मिले थे। यानी कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में बीजेपी में भी जुड़ सकते ऐसा कहा जा सकता है। जी यानी कि ये कयास लगाए जा सकते हैं जयेश कि हार्दिक बीजेपी में जाने से गुरेज नहीं करेंगे जो हार्दिक अब तक बीजेपी को कोसते आ रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी हार्दिक को लेगी या नहीं? जी मैं आपको बता दूं कि कई दिनों से सूत्रों के द्वारा माहिती मिली थी कि हार्दिक का बीजेपी में आना सही था। बीजेपी में वो कई दिन पहले ही बीजेपी में आ जाते पर जो पाटीदार आंदोलन में जो हार्दिक पटेल के साथ जो लोग थे वो बीजेपी में ज्वाइन थे उन्होंने भी हार्दिक पटेल का विरोध किया था बीजेपी में आने के लिए। और अभी के एमपी के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब हार्दिक पटेल ने पाटीदार आंदोलन किया था और उन्होंने इस्तीफा सीएम से इस्तीफा दिया था। उन्होंने भी हाईकमान से हार्दिक पटेल को कांग्रेस में बीजेपी में आने के लिए रोक लगाई थी। यानी कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले ही हार्दिक पटेल बीजेपी में ज्वाइन हो जाते। और कहा जाए तो अभी कुछ ही दिनों में हार्दिक पटेल बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी का जो विस्तार हो रहा है आम आदमी पार्टी में लोगों में अपनी जगह बना रही है उसको रोकने के लिए और गुजरात में अभी तक के सबसे बड़ी लीड प्राप्त करने के लिए हार्दिक पटेल को लेना बीजेपी में जरूरी है। इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ ही दिनों में हार्दिक रंग करे वो देखा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयेश आपका तमाम जानकारी के लिए।